नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ प्रसाद वाले काले चने, जो खाने में टेस्टी है और इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो आप एक बार इस तरह से चने ज़रूर बनाएं, आपको और आपकी माता जी को ये प्रसाद बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए तो फिर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रसाद बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम चने लिए थे, जिसे मैंने 4-5 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये अच्छे से फूल गए हैं और इन्हें मैंने अच्छे से धोकर साफ भी कर लिया है। और अब हम एक कुकर लेंगे, उसके अंदर चने डाल देंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हम सूखे चने बनाएंगे, इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पानी बाहर आएगा। तो ये 1 कप पानी 250 ग्राम चने के लिए काफ़ी है। आधी चम्मच हम नमक डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम कुकर को अच्छे से बंद कर देंगे और इसके हम 4 सीटी आने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड, 1 सीटी तो इसके लग गई है, हमें इसके इसी तरह 4 सीटी लगानी है। ये दूसरी सीटी लग गई है। 4 सीटी में चने जो है बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। कई कई चने 2 सीटी में पक जाते हैं, कई चने 3 सीटी में पक जाते हैं, पर जो चने मैं यूज़ कर रही हूँ वो 4 सीटी में पकते हैं, क्योंकि मैंने इन्हें पहले भी बनाया है। देखिए ये 4थी सीटी इसके लग गई है और अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसका प्रेशर इसी के अंदर रहने देंगे। और अब हम गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई के अंदर डाल देंगे हम 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल आप कम ज़्यादा रख सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं। इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को हम अच्छे से लाल होने देंगे और गैस का फ्लेम रखेंगे हम मीडियम। मीडियम फ्लेम पे ही हम जीरे को पकाएंगे। अब देखिए कुकर का भी जो है प्रेशर निकल गया है, चने अच्छे से उबल गए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक चना फोड़कर, आप देख सकते हैं ये 4 सीटी में बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। फ्रेंड, मैंने इन्हें पहले भी बनाया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये तीखी वाली हरी मिर्च नहीं है। और पानी के साथ ही हम डाल देंगे चने, आप पानी निकाल कर भी डाल सकते हैं, पर आप एक बार इस तरह से चने को बनाएंगे ना फ्रेंड, बार बार बनाकर खाएंगे, क्योंकि हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं। प्रसाद तो वैसे ही, प्रसाद के अंदर माँ का आशीर्वाद होता है, तो प्रसाद तो चाहे जेंट्स बनाए चाहे लेडीज़, वो सभी तरह से बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि जो प्रसाद होता है ना फ्रेंड, उसमें भगवान का आशीर्वाद होता है। मैंने स्वाद के अनुसार डाला है नमक और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1/2 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च, ये तीखी नहीं होती है पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मिर्च और नमक फ्रेंड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा रख सकते हैं। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे 5 मिनट तक इसी तरह पकने देंगे हाई फ्लेम पर। देखिए फ्रेंड, 5 मिनट में इसका पानी जो है सारा सूख गया है, चने काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं, मसालेदार हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड, थोड़ा पानी डालकर जब आप चने पकाते हैं तो मसालों का फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छे से इसके अंदर आ जाता है। बस 2 से 3 मिनट ज़्यादा लगते हैं, पर जो चने हम इस तरह से बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अब हम इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर डाल देंगे हरा धनिया। हरे धनिया से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और खाने में भी चने बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो धनिया को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए हमारे चने का प्रसाद जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे। बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड, मैंने प्रसाद को एक प्लेट में सर्व कर लिया है, तो आप इस अष्टमी और नवमी से ज़रूर बनाएं। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका ये चने का टेस्टी प्रसाद कैसा बना। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए और वीडियो को कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।